नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आईटीआई में नामांकन के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू। 4 साल के ग्रेजुएशन के लिए बनी ऑर्डिनेंस कमेटी। बिहार में बाढ़ से निपटने की हो रही तैयारी। निजी स्कूलों का यू डाइस कोड नहीं तो सरकारी में टीसी अमान्य। IPL 2023 में शतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी बने हैरी ब्रुक। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। ITI में नामांकन के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू। अगर आप भी उनमें हैं जो बिहार के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी कि ITI में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल आज से यानी कि 15 अप्रैल से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के नए सत्र में एडमिशन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। बता दें कि इसमें आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख 13 मई निर्धारित की गई है, जबकि शुल्क के भुगतान करने का समय 14 मई तक निर्धारित किया गया है। इसके अलावा अगर आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो अभ्यर्थियों के द्वारा इसमें सुधार करने का समय 15 व 16 अप्रैल निर्धारित किया गया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इसमें आवेदन करने के लिए परिषद की ओर से जारी की गई आधिकारिक वेबसाइट bcecebord.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। मालूम हो किसी प्रवेश परीक्षा के जरिए आपको सूबे के सरकारी और निजी ITI संस्थानों में एडमिशन मिल सकेगा। बिहार में मिले कोरोना के 91 नए संक्रमित। बिहार में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में बीते 24 घंटे में प्रदेश में कुल 91 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। मालूम हो कि इसके साथ ही राज्य में अभी कुल कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 316 पर पहुंच गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में बीते 24 घंटे में मिले 91 कोरोना मरीजों में से केवल 48 कोरोना मरीज बिहार की राजधानी पटना से हैं। इसके साथ ही अब पटना में कोरोना संक्रमित एक्टिव मरीजों की कुल संख्या 177 हो गई है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में 11, बांका में 6, भागलपुर, दरभंगा व मधेपुरा में 3-3, मधुबनी, खगड़िया व पूर्णिया में 2-2, पूर्वी चंपारण, गया, जहानाबाद, कटिहार, किशनगंज, सहरसा, नालंदा और सिवान में 1-1 संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही आज से राज्य में कोरोना टीकाकरण की भी फिर से शुरुआत हो गई है। बिहार सरकार ने अपने पैसे से कोरोना टीका की 25,000 डोज की खरीदारी की है, जो सरकार को उपलब्ध हो चुकी है। बिहारी भाषा में खेल स्लोगन बताएं और इनाम पाएं। अगर आपको भी लगता है कि आप बिहारी भाषा में खुद से बनाया गया स्लोगन बोल सकते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल बिहार में खिलाड़ियों के अंदर जोश पैदा हो सके इसके लिए बिहार की राजधानी पटना के बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविन्द्र संकरण के द्वारा एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि बिहारी भाषा में खेल स्लोगन बताएं और इनाम पाएं। उन्होंने बताया कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को एक स्लोगन की जरूरत है जो बिहारी भाषा में हो और स्लोगन सुनकर खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन हो। बता दें कि इसके लिए खेल प्राधिकरण के द्वारा एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें वैसे नारी जो अच्छे होंगे उन्हें खेल प्राधिकरण के तरफ से उनको सम्मानित किया जाएगा। बिहार में हुई जाति गणना के दूसरे चरण की शुरुआत। आज यानी कि 15 अप्रैल से बिहार में जातीय गणना के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। ऐसे में यहाँ से गणना कर्मियों के द्वारा घर घर जाकर जानकारी हासिल की गई। मालूम हो कि इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा एक ऐप भी तैयार की गई है, जिसकी मदद से गणना कर्मी सभी डाटा को अपलोड कर सकेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जातीय जनगणना के दूसरे चरण के लिए राज्य मुख्यालय के स्तर पर ऐसी व्यवस्था की गई है कि एक क्लिक पर उन्हें यह मालूम होगा कि किस प्रखंड में एक दिन में कितनी संख्या में जाति आधारित गणना का काम हुआ है। इसके साथ यह रिपोर्ट भी उपलब्ध रहेगी, जिसमें बताया गया होगा कि कितने घरों में गणना हुई है। 4 साल के ग्रेजुएशन के लिए बनी ऑर्डिनेंस कमेटी। राज्य में अब बच्चों को ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के लिए 3 साल के बजाय 4 साल पढ़नी होगी। इसके लिए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह, पटना विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आर के सिंह और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी की सदस्यता वाली एक ऑर्डिनेंस कमेटी का भी गठन किया गया है। मालूम हो कि इस कमेटी के समन्वयक विशेष कार्य पदाधिकारी बालेंद्र शुक्ल होंगे। शैक्षणिक सलाहकार के रूप में प्रोफेसर एन के अग्रवाल विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल होंगे। बता दें कि इस कमेटी का काम स्नातक की पढ़ाई प्रारंभ करने के लिए रेगुलेशन तैयार करना है। इसके लिए राजभवन के द्वारा अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। वहीं कोर्स स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए कुलाधिपति के द्वारा कुलपतियों की समिति भी बनाई गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 4 वर्षीय स्नातक की शुरुआत नए सत्र यानी कि 2023-24 से होने वाली है। नियोजित शिक्षकों ने जातीय जनगणना के दूसरे चरण के कार्य का किया बहिष्कार।
एक तरफ जहां आज से यानी कि 15 अप्रैल से बिहार जाति गणना के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर नियोजित शिक्षकों के द्वारा नई शिक्षक नियुक्ति को लेकर जाति गणना का बहिष्कार किया जा रहा है। इस पर बिहार शिक्षक संघ के अध्यक्ष केशव कुमार का कहना है कि सुबह 6:30 से 12 बजे तक स्कूल चलेगा और स्कूल खत्म होने के बाद शिक्षक चिलचिलाती धूप में जातीय गणना के कार्य को करेंगे। शिक्षकों के लिए प्रशासन का यह निर्णय संवेदनहीनता भरा है, लेकिन वह लोग इस बाबत ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनकी एक ही मांग है कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, तभी कोई गैर शैक्षणिक शिक्षक कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों को मानकर उन्हें राज्यकर्मी बनाते हैं तो वह जाति गणना के कार्य में लगने को तैयार है। बिहार में बाढ़ से निपटने की हो रही तैयारी। बाढ़ बिहार की एक पुरानी समस्या है जिससे लोगों को राहत दिलाने के लिए कई कोशिशें की जाती है। बता दें कि एक बार फिर से उत्तर बिहार के 15 से 19 जिलों में बाढ़ की संभावना जताई जा रही है, जिसमें सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, अररिया, पूर्णिया, सुपौल, कटिहार समेत कई नाम शामिल है। ऐसे में इस खतरे से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा कुछ दिनों पहले ही मार्गदर्शिका जारी की गई थी। इसी कड़ी में अब राज्य सरकार की ओर से भी जिलों को नए सत्र से पत्र जारी किया गया है। बता दें कि जारी किए गए इस पत्र में यह निर्देश दिया गया है कि समस्या से पटने के लिए 31 मई तक एक एक टास्क फोर्स का गठन किया जाए और उस टास्क फोर्स में एक एक पदाधिकारी की भी प्रतिनियुक्ति की जाए। इसके अलावा क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों, खोज एवं बचाव कार्यों को प्रशिक्षित स्वयंसेवकों, मोटर बोट चालकों को भी प्रतिनियुक्ति की जाए। जलस्तर पर संचालन केंद्र सह नियंत्रण कक्ष में टेलीफोन ब्रॉडबैंड के साथ कंप्यूटर की व्यवस्था की जाए और उसका प्रभारी जिले के किसी वरीय पदाधिकारी को बनाया जाए। आकांक्षा दुबे मामले में समर सिंह ने रिमांड के दूसरे दिन खोले कई राज। भोजपुरी फिल्म एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत मामले को लेकर भोजपुरी सिंगर समर सिंह 13 अप्रैल से पुलिस के रिमांड पर है। बता दें कि यह रिमांड 17 अप्रैल तक चलने वाला है। हालांकि रिमांड के दूसरे दिन समर सिंह से क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा रात 9 बजे तक पूछताछ की गई, जिसमें समर सिंह ने अपनी और आकांक्षा दुबे के रिश्तों को लेकर कई खुलासे किए। इसके साथ ही समर सिंह के द्वारा वित्तीय लेन देन से जुड़े सारे कागजात, सीए का पता और लैपटॉप समेत अन्य डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी जानकारी दी गई। बता दें कि समर सिंह के द्वारा क्राइम ब्रांच को बताया है कि उनकी और आकांक्षा दुबे की पहली मुलाकात 2021 में जौनपुर में एक एल्बम की शूटिंग के दौरान हुई थी। आकांक्षा ने मेरे साथ काम करने की बात कही थी। ट्रायल में सफल होने के बाद मैंने उसके साथ एल्बम बनाया था और काम अच्छा लगने की वजह से दोनों साथ में काम करने लगे थे। मौत से 3 महीने पहले हम अलग हो गए थे और वो अपने करियर को लेकर काफी खुश थी। फिर उसने ऐसा क्यों किया, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। निजी स्कूलों को यूडाइस कोड नहीं तो सरकारी में टीसी अमान्य। अगर आप भी निजी स्कूल में पढ़ रहे हैं और अब राज्य के सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल अब आपको सरकारी में दाखिला लेने के लिए यूडाइस कोड वाले निजी स्कूल के ही टीसी लेने होंगे, क्योंकि यूडाइस कोड नहीं तो सरकारी स्कूलों में टीसी की मान्यता नहीं होगी। ऐसे में 8वीं कक्षा तक के वैसे स्कूल जिन्होंने अब तक यूडाइस कोड नहीं लिए हैं उन स्कूलों के छात्रों को एडमिशन 9वीं कक्षा में राज्य के सरकारी स्कूलों में नहीं मिल सकेगा। शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किए गए इस नियम से निजी स्कूलों की मुश्किलें बढ़ गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य के निजी स्कूलों को शिक्षा विभाग के द्वारा पहले ही यूडाइस और ई संबंधन में रजिस्ट्रेशन करवाने को बोला गया था, पर कई स्कूल ऐसा नहीं कराते हैं क्योंकि उन्हें शिक्षा के अधिकार के तहत 25% आरक्षित सीटों पर गरीब बच्चों का एडमिशन लेना पड़ता है। सीएम नीतीश ने बताया सीटों के बंटवारे पर कब होगी विपक्ष की बैठक। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा विपक्षी एकता को लेकर कहा गया कि बहुत जल्द ही एक बैठक की जाएगी और यह तय किया जाएगा कि कौन कौन पार्टी कहां कहां से कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने बताया कि यह तय होने के बाद हम पूरे देश का दौरा करेंगे। वहीं दूसरी तरफ राजद सांसद मनोज झा के द्वारा यह दावा किया गया है कि अगले 4 महीने के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों का महागठबंधन तैयार हो जाएगा और सभी एक साथ मंच साझा करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि चेहरे के इर्द गिर्द राजनीति नहीं होगी ताकि लोकतंत्र कमजोर न हो। इसकी जिम्मेदारी सीएम नीतीश की है, वो कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे। इसके साथ ही कुछ बातों की जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी दी गई है। आनंद मोहन सिंह की जल्द हो सकती है रिहाई। तत्कालीन डीएमजी कृष्णैया की मौत मामले में बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह की जल्द ही रिहाई हो सकती है। दरअसल बिहार सरकार के द्वारा उन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिस वजह से उनकी रिहाई नहीं हो पा रही थी। बता दें कि बिहार सरकार के द्वारा बिहार कारा हस्तक 2021 के नियम 481(i)(क) में संशोधन करते हुए उसमें से आनंद मोहन सिंह के उस वाक्यांश को हटा दिया गया है जिसमें सरकारी सेवक को मारने का शामिल किया गया था। बता दें कि इसकी जानकारी बिहार सरकार के गृह विभाग कारा के द्वारा अधिसूचना जारी करके दी गई है। मालूम हो कि सरकार के द्वारा किए गए संशोधन के बाद अब पूर्व सांसद की स्थायी रिहाई की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। पीएम उम्मीदवार के लिए जीतन राम मांझी ने बताया फॉर्मूला।
बीते दिन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर बिहार के नालंदा जिले के नूरसराय के मेहंदी नगर में आयोजित किए गए समारोह में पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्षी एकता पर बयान देते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और अब कांग्रेस भी आगे आ गई है। ऐसे में हमें पूरी उम्मीद है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी वापस नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता होने के बाद सभी मिलकर पीएम उम्मीदवार बनाएंगे। सीएम नीतीश ने भी खुद को पीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, वो केवल विपक्षी एकजुटता में जुड़े हुए हैं। हम सभी विपक्षी एकता होने के बाद एक साथ बैठकर इस पर निर्णय लेंगे। केजरीवाल को लेकर सीएम नीतीश ने दिया बयान। आबकारी नीति मामले को लेकर 16 अप्रैल को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के सामने पेश होने को कहा गया है। वहीं अब इस मुद्दे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा भी बिहार के राजधानी पटना में मीडिया से बात करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। उन्होंने कहा कि सारे लोग अपने अपने इलाके के विकास के लिए कितना काम किए हैं, कितनी प्रगति की है, उनकी कितनी इज्जत है, बाकी क्या होता है उस पर हम क्या बोले। उन्होंने कहा कि सीएम केजरीवाल तो अपने समय पर जवाब देंगे ही, यह तो अलग बात है, लेकिन यहाँ बात यह है कि सब लोग यानी कि विपक्षी एकजुट हो रहे हैं और एकजुट होने की संभावना है। सीएम नीतीश ने कहा कि उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से काम किया है, देश को आगे बढ़ाने का काम होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले को लेकर सीबीआई के द्वारा डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। आईपीएल 2023 में शतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी बने हैरी ब्रुक। बीते दिन आईपीएल 2023 के 19वें मुकाबले में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 23 रनों से हराकर अपने नाम शानदार जीत दर्ज की। बता दें कि इस मैच में हैरी ब्रुक पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने आईपीएल के 16वें सीजन में पहला शतक जड़ा है। बता दें कि बीते दिन लगाया गया उनका यह शतक उनके जीवन का पहला आईपीएल का शतक भी रहा है। मालूम हो कि हैरी ब्रुक से पहले 15 खिलाड़ी ऐसा कारनामा कर चुके हैं, यानी कि हैरी ब्रुक ऐसा करने वाले 16वें खिलाड़ी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस रिकॉर्ड के अलावा भी हैरी ब्रुक के नाम कई अन्य रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं। हैरी ब्रुक सनराइजर्स के ऐसे पहले बल्लेबाज बने जिन्होंने घरेलू मैदान के बाहर शतक लगाया है। इसके अलावा वह तीसरे बल्लेबाज है जिन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए शतक चढ़ा है। जानिए बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी शनिवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अभिषेक राज, बिट्टू कुमार राज, मृत्युंजय कुमार, रंजीत मिश्रा, उमेश ऋषिदेव, शंकर मुखिया, रविशंकर देव, देवानंद देव, आस्था कुमारी, कन्हैया कुमार, आरुषि कुमारी, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, मुटू रंगीला, पवन कुमार सिंह, मोहम्मद सकीर हुसैन। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बिहार में बाढ़ को रोकने के लिए सरकार को क्या क्या कदम उठाने चाहिए। अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।